नमस्कार, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गाड़ी के हुड, या सभी लोग अलग अलग बोलते हैं, गाड़ी के बोनट के नीचे क्या होता है, क्या नहीं होता है, और कैसे ये बेसिक सी चीज़ें हमारी मदद कर सकती हैं, क्यों ये गाड़ी में दी हुई होती हैं, इसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ सकें गाड़ी के बोनट के नीचे क्या होता है और ये चीज़ें कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, गाड़ी का बोनट जो है ओपन करना भी अपने आप में एक टास्क होता है। कई बार लोगों को ये स्विच मिल नहीं पाता है, तो गाड़ी के एस्केलेटर के साइड में मोस्ट प्रोबेबली यहीं पर ये स्विच होता है। ये जो स्विच आपको दिख रहा होता है, ये अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग टाइप का होता है। तो इसे सबसे पहले खींचना होता है जिससे कि आपका बोनट रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद आप सामने बोनट पर जा सकते हैं और चलिए हम चलते हैं। तो बोनेट के नीचे आपको इस तरह का एक स्विच मिलता है, मैं देखने की कोशिश करता हूँ। आप इसे इसे उठा के और फिर गाड़ी का बोनेट उठा सकते हैं। ये हैं गाड़ी के बोनेट के अंडर कंपोनेंट्स। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मेन चीज़ गाड़ी का, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये होता है इंजन, ये है बैटरी गाड़ी की, और ये है गाड़ी का एयर फिल्टर। तो गाड़ी के एयर फिल्टर से शुरू करें हम। तो इसके अंदर गाड़ी का एयर फिल्टर होता है जो कि एयर इंटेक में गाड़ी की हेल्प करता है, गाड़ी के अंदर प्रेशर बनाता है। दूसरी चीज़ ये है गाड़ी के अंदर ब्रेक फ्लूड, और ब्रेक फ्लूड से ये डायरेक्ट गाड़ी के ब्रेक बूस्टर्स कनेक्ट होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं ब्रेक बूस्टर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है ये विंडशील्ड वॉशर। ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये लिखा होता है इसके ढक्कन के ऊपर भी। और उसके बाद आते हैं, ये है मेन गाड़ी का इंजन, और ये जो ढक्कन दिख रहा है इस ये निकाल के इसमें इंजन ऑयल टॉप अप करने के काम आता है। फिर आती है गाड़ी की बात, तो ये जो मेन ये वाला जो स्विच दिख रहा है, इसमें गाड़ी के इंजन के अंदर कूलेंट भरा होता है। इसे आप ओपन ना करें कभी भी, गाड़ी अगर चल के आई हो तो। जब गाड़ी ठंडी हो तभी आप इसकी छेड़ करें। उसके बाद आता है ये कूलेंट। अगर इंजन के अंदर जो कूलेंट है वो अगर कम हो रहा है या उस वो कुछ ज़्यादा हीट हो रहा है, तो अगर गाड़ी को ज़रूरत होती है तो गाड़ी इसमें से कूलेंट लेती है। देखिए यहाँ पे लेवल दिया हुआ होता है, इस लेवल तक आपको टॉप अप करके रखना होता है। मेरी गाड़ी में जब भी सर्विस होती है मैं इसे टॉप अप करवा लेता हूँ। उसके बाद आता है जो आपको ये यूनिट दिख रही है, ये वाली, ये टर्बो चार्जर होती है। मेनली ये कुछ इंजनों में होता है, कुछ में नहीं होता है। इसे टर्बो चार्जर बोलते हैं। ये ज़्यादातर डीजल इंजन में पाया जाता है। ये इंजन की पावर को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है। अब हम बात करें तो गाड़ी में जब इंजन ऑयल चेक करना होता है तो ये स्ट्रिप दी हुई होती है। ये मेनली यहाँ पे कभी स्विच होती है, कभी इंजन के इस पोर्शन में होती है कहीं पे। तो इस तरह की ये जो दी हुई होती है, आप इसको निकाल के गाड़ी के इंजन की जो ऑयल की जो हेल्थ है आप उसे जान सकते हैं, और गाड़ी में इंजन कहाँ तक टॉप अप है इसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इस तरह का एक होता है निशान, यहाँ तक गाड़ी का इंजन टॉप अप होना चाहिए। इसे आप इसी तरह से वापस लगा भी सकते हैं, ये इस तरह से वापस से फिट हो जाती है। उसके बाद गाड़ी में आते हैं कुछ सेंसर्स जो कि मेनली इंजन के ऊपर होते हैं, जैसे कि ये सारे दिख रहे हैं ये सेंसर्स। ये सब ECU से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि ये महिंद्रा का इंजन है 4 सिलेंडर, तो इसमें आपको 4 सिलेंडर 1, 2, 3 और 4 वो आप आसानी से देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करें अगली चीज़ की, तो ये जो गाड़ी का इंजन है इसी से एक अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है। ये जो आपको दिख रहा है इसे हम अल्टरनेटर बोलते हैं, जो कि गाड़ी के इंजन के साथ कनेक्टेड होता है। ये गाड़ी में जितने भी पार्ट्स हैं, प्रोबेबली जितने भी हैं, लगभग हेडलाइट वगैरह, सभी को इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करता है और आपकी बैटरी भी चार्ज करता है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम आपका ये अल्टरनेटर करता है। और मेरी गाड़ी में AC नहीं है, तो अल्टरनेटर के नीचे ही यहाँ पे AC का कंप्रेसर यूनिट होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको दूसरी गाड़ियों में देखने को मिल जाएगी, इसी के साथ
वो कंप्रेसर काम करता है। तो यही कारण होता है कि जब भी आप इंजन ऑन करते हैं तभी आपका एसी ऑन होता है, अदरवाइज आपका एसी आपकी बैटरी से मेनली कनेक्टेड नहीं होता है। अगली जो चीज़ है वो है हमारे ब्रेक्स से रिलेटेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रेक फ्लूड है और इसी से हमारे ब्रेक बूस्टर्स कनेक्टेड हैं, और ब्रेक बूस्टर से होकर एक ये जो वैक्यूम पाइप है, वैक्यूम पाइप ये डायरेक्ट हमारे इंजन से कनेक्टेड होती है, और ये वैक्यूम ही हमारी ब्रेक को लगाने में हमारी हेल्प करता है, और ये ब्रेक के हमारे पावर्स को जस्ट डबल और ट्रिपल करके और फिर हमें ब्रेक का आउटपुट देता है। यही कारण एक होता है कि जब गाड़ी का इंजन ऑफ होता है, मोस्ट प्रोबेबली फोर व्हीलर्स का या बड़ी गाड़ियों का जब इंजन ऑफ होता है तब उनके ब्रेक्स काम नहीं करते। तो यही बात है दोस्तों, आप कभी भी बिना इंजन को ऑन करे गाड़ी को आगे ना बढ़ाएं क्योंकि उस समय आपके ब्रेक्स काम नहीं कर रहे होते हैं। अगली चीज़ की बात करते हैं तो इसी साइड आपका स्टेयरिंग भी होता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और स्टेयरिंग की यूनिट भी आपको यहीं से जाती हुई मिल जाएगी। जैसा कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो पाइप गई है ये डायरेक्ट स्टेयरिंग की है। मेरी गाड़ी विदाउट पावर स्टेयरिंग है, तो आप देख सकते हैं ये आगे के एक्सल से कनेक्टेड हो जाती है और एक्सल के बाद ये डायरेक्ट स्टेयरिंग आपका वर्क करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट हैं बेसिक गाड़ी की वो आपको अंडर द हुड मिल जाती हैं, और आप उनकी मदद से आप थोड़ा बहुत तो गाड़ी को कभी कभी अगर इमरजेंसी में सिचुएशन आ जाए तो आप डील कर ही सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी थोड़ी भी अगर हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।